गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित अपने घर पे होंगे। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है 6:30 और मैं किचन में हूँ, सबके लिए लंच एंड नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी बच्चे नहीं उठे हैं, इशू को उठाऊंगी अभी आधे घंटे बाद, क्योंकि उसकी क्लास 8 o'clock से शुरू होती है, तो मैं 1 घंटे पहले उठा देती हूँ, जिससे वो अच्छे से तरोताज़ा होके एंड आराम से तैयार होके अपनी क्लास करे। तो अभी उठाया नहीं उसे, बस उठाने जा रही हूँ। आज लंच में बना रही हूँ मैं सोयाबीन और आलू टमाटर की सब्जी, तो बस वही सोयाबीन भिगा। रात में मैं भूल गई इसको सोक करना, वरना मैं रात में ही सोक कर देती हूँ, तो सुबह बहुत अच्छे से वो सोक हो जाता है एंड फिर उसको वॉश करके बनाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा बन जाता है, बट आज मैं भूल गई थी। और नाश्ते बना रही हूँ मीठी वाली दलिया, ईशू को उठा दिया है मैंने एंड वो रेडी भी हो गया है, बस उसको थोड़ा सा एक गिलास दूध दे दूंगी, पी लेगा, फिर आराम से बैठेंगे अपनी क्लास करेंगे। हो गया है 9:30 एंड मेरा सुबह का किचन का सारा काम, लंच नाश्ते का सब कुछ हो गया है। ईशू अपनी क्लास कर रहे हैं एंड चीकू यहाँ नीचे अपनी दादी के साथ बाहर दरवाजे पे खेल रहे हैं, वहाँ खेलता रहता है वो और उसकी दादी भी देखती रहती है। एंड मैं आ गई हूँ अपना पूजा पाठ करने, इसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह करूँगी एंड ईशू की क्लास देखूँगी क्या कर रहे हैं वो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ सुरक्षित अपने घर पे होंगे एंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल दिव्या मिश्रा ब्लॉग। फ्रेंड्स, मेरा सुबह का सारा लगभग सारा रूटीन हो चुका है, मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है, नाश्ता वगैरह भी कर लिया है एंड सब कुछ हो चुका है। थोड़ी देर चीकू को पढ़ाऊँ लिखाऊँगी, उसके बाद फिर कुछ और काम होगा। अभी ये लोग, ईशू की भी आज एक्चुअली क्लास नहीं हो रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है नेट का और लैपटॉप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो फ्री है तो फिर अब बैठ के कार्टून देख रहे हैं, कार्टून चल रहा है।
दो तीन दिन से इतनी गर्मी पड़ रही है कि घर ना के निकलो और फिर स्वेटिंग शुरू हो जाती है। एंड सोच रही हूँ अपने बालों में थोड़ी सी मेहंदी लगा लूँ, बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक्चुअली मेरे को मार्च में हो गया था कोरोना, कोरोना पेशेंट हो गई थी मैं, तो उसकी वजह से मेरे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझे मेरे बालों पे ही दिखता है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं एंड इस बीच बाल बहुत जल्दी जल्दी वाइट भी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबके पास कोई इसका सोल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके क्या कर सकते हैं। बाकी अभी वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर वीकनेस अभी भी, मतलब करीब 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, पर जो एक वीकनेस होती है ना वो भी है। मतलब मैं अगर बोलती हूँ, ज़्यादा देर तक बोलती हूँ तो मेरा वो सांस बढ़ जाती है। कई बार आपने फील किया होगा सारी वीडियो में, तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा धीरे धीरे सब रिकवर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्लीज़ गाइज, कोरोना मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है। मतलब ये नहीं कि आप जितने दिन, बाकी जैसे कोई तबीयत ख़राब होती है, बुखार होता है, कुछ होता है, तो क्या है कि हम दवाई खाते हैं, 2 दिन में 4 दिन में हफ्ते भर में हम ठीक हो जाते हैं, प्रॉपर ठीक हो जाते हैं। और कोरोना का मैं ये देख रही हूँ, बता रही हूँ ना, मेरे को 22 मार्च को बुखार फीवर आया था बहुत तेज, और अभी 3 महीने से ऊपर हो गए, लगभग 4 महीने होने वाले हैं। लेकिन अभी जो ये वीकनेस है ना, जो बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है, ये सब चीज़ की प्रॉब्लम मेरे को है अभी। हाँ, कम हो गई है पर है अभी। मैं अगर सीढ़ियाँ 2 फ्लोर चढ़ लेती हूँ, चढ़ जाती हूँ, तो फिर उसके बाद मेरे को ना बहुत थकान सी लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कोरोना है ना, ये मतलब बहुत चलता है, तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए, मास्क पहनिए, और जितनी भी गाइडलाइंस है वो सारी मानिए, मानकर चलिए। बाहर ज़रूरत हो तभी निकलिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत निकलिए। एंड थोड़ा हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। एंड वैक्सीनेशन जो हो रही है उसको तो ज़रूर ही करवाइए। वैक्सीनेशन मतलब चीज़ नहीं है, मैं ले चुकी हूँ और मुझे पता है कि इसका क्या, इसलिए मैं आप लोग को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप जो लोग वैक्सीनेशन जरूर कराइए, एंड जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका अच्छे से पालन करिए, हेल्दी डाइट लीजिए। कोरोना आपको ना हो, ना आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो इसकी। तो मेरा यही कहना है, मैंने सोचा आज आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि तुम वीडियो में बोलते बोलते तुम्हारी सांस बढ़ जाती है, तो इसका रीज़न यही है। ऐसा अभी हो रहा है, अभी तक पहले नहीं होता था, लेकिन अभी जब से मैं ये कोरोना में, मेरे को हो गया है, मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन उसके बाद अभी भी ये प्रॉब्लम है मुझे। प्लीज़ गाइस, आप लोग ऐसी कोशिश करिए कि आप लोग ये, जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, कुछ सामान लाना है मुझे घर का, पर लगता नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे लग रहा है देर हो गई है, मुझे सारी शॉप्स बंद है। कितने की है? अभी मैं आ गई, सारी बंद थी शॉप, सिर्फ एक ये पतंग वाला बैठा था थल्ली पे, तो ईश्वर जी को जिद भी कर रहे थे पतंग के लिए, तो मैंने सोचा लो यही ये चलती हूँ, बाकी चीज़ें शाम को लूँगी आके, जो पतंग देख रही हूँ। 12 बजे के बाद यहाँ पे आसपास सारी शॉप बंद हो जाती है, शाम को 5 बजे के बाद ही खुलती है। अभी मेरे को मिल गई है बिट्टू, यानी कि अरे नहीं यार, बताया मैंने, उसने सॉन्ग लगा दिया ना, वो बर्थडे अब हम जा रहे हैं घर, सारी शॉप बंद है, इतना लेट बाहर निकले, एक शक्ति डेयरी खाली, बस 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 बस
नोडी नोडी पैर छूना सीख गया है। किसने सिखाया? ये अम्मा जी ने? फिर किसने सिखाया? बिट्टू बुआ ने सिखाया है। हाँ मौसम तो बहुत गर्म हो गया, धूप बहुत तेज निकल आई है ना आज। आज तुम लोग बाहर खेलने को नहीं पाओगे। और देखो मेरे और तुम्हारे ड्रेस का कलर एक ही है, ये देखो है ना येलो येलो। कौन सा कलर है ये? पहले बताओ ये कलर कौन सा है? तुम्हारी टी शर्ट का कलर कौन सा है? येलो। तो और ये कौन सा कलर है? ये वाला, ये वाला कौन सा कलर है? ब्लू। वेरी गुड। कलर पहचानते हो तुम? रोज पढ़ाई कर रहा हूँ ना। रोज पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ते हो? मैं बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करती हूँ। अच्छी अच्छी कौन सी पढ़ाई होती है? सारी शॉप बंद है यार। एक काइट की खुली थी तो मैं काइट ले आई। सारी शॉप बंद है, कोई शॉप ही नहीं खुली हुई है। देर कर दी ना मैंने जाने में। काइट क्या करते हैं? काइट से क्या करते हैं? इधर आओ। देखो मैंने वाले डोरेमोन बनाए। रख दो, संडे को उड़ाना। संडे को देखना सब लोग उड़ाएंगे छत पे। हाँ बेटा शॉप ही नहीं खुली है तो क्या करो, सब एक तरफ से बंद हो रखी है। सब शाम को 5 बजे के बाद खुलेगी। अभी 1:30 हो रहे हैं, अभी कोई शॉप नहीं खुली रही, सब बंद हो जाती। 12 बजे के बाद सारी शॉप बंद हो जाती ना। अच्छा है ना चीकू? चीकू अच्छा है ना? अच्छा गाइस, देखिए गाइस, अच्छा गाइस, देखिए गाइस, अच्छे लग रहे हैं। और तुमने तो निक्कर भी नहीं पहने कि तुम्हारे डैडी को किसी ने गिफ्ट किया है। यहाँ सब कुछ रिसाइकल है, जो भी चीज आपके काम की नहीं है वो ये लोग खरीद लेते हैं। यहाँ पर आपको हैंडमेड स्वेटर भी मिलते हैं। क्या देना? नहीं बेटा गिर जाएगा। चुन सकते हो छोटे से अच्छे लग रहे हैं। जय कृष्ण कन्हैया। हम जा रहे हैं मंदिर, आज नाग पंचमी है। नागपंचमी थी आज, तो इसीलिए थोड़ा सा मंदिर आई थी पूजा वगैरह करने। शाम में आई थी, सुबह आई थी तो बहुत भीड़ थी तो कर नहीं पाई, फिर चली गई थी। शाम में आई हूँ तो अभी थोड़ा खाली खाली मिला है, फिर भी थोड़ा सा पूजा पाठ किया शिव जी की नागपंचमी के लिए। एंड फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग यहीं मैं एंड करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।